पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बट अभी बहुत अच्छा मौसम है, अगर आप प्लान करना चाहते हैं वैष्णो देवी के लिए सो इट्स अ गुड टाइम। सो आप जल्दी आइए और पूरा एंजॉय कीजिए हमारी तरह, ठीक है। सो गाइज अभी हम निकले हैं, सुबह रेडी हो गए हैं, फ्रेश वगैरह हो गए हैं और अभी नींद खुली है। देखो बाहर हो गई लाइट, तो अभी हमने जाना है पैरोगाटी। अगर वहाँ पे नंबर लग गया, रश नहीं हुआ तो चले जाएंगे, अदरवाइज भाई बड़ी मुश्किल है वहाँ पे जाना। तो देखो पीछे पूरी टीम हमारी रेडी है, रेडी रेडी चले फिर। सो गाइस ये है सुबह का नज़ारा, भवन देख लो माता रानी का, और अभी इधर देखो कितनी बड़ी लाइन लगी है भैरव बाबा के मंदिर जाने के लिए। देखो लाइन है भाई, लाइन देखो कितनी लगी है। सो गाइस अभी हम देखो जो भैरव बाबा के लिए झूला लगा हुआ है, हम झूले से जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। ये देखो ये झूले के अंदर का व्यू है, पहुंचने वाले हैं बस ऊपर। देखो गाइज अभी व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है, और कमेंट करके जरूर बताएं किस किस ने ये झूले पे झूला लिया है, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा भी लगता है। देखो पहुंच गए, चलो पहुंच गए, चलो अभी हम उतरने लगे हैं। सो गाइज अभी हम आए हैं भैरव घाटी, और इतना क्राउड है यहाँ पे, कम से कम 2-3 घंटे का वेटिंग है यहाँ पे। यहाँ पे इतना क्राउड कहाँ से आ गया, देखो अब आपको मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। गाइज अभी आप खुद ही देख लो कितना ज़्यादा क्राउड है, पीछे दूर तक लाइनें लगी हुई हैं। आज तो पॉसिबल नहीं यहाँ पे दर्शन करना, क्योंकि 2-3 घंटे लग जाएंगे। और बहुत ज़्यादा क्राउड, व्यू बड़ा अच्छा है यहाँ पे। पहले सो लो उसके बाद जाओ, और बैक साइड वाला भी देखो, सही है ना, बहुत सही लग रहा है। सो भाई ये है हेलीपैड, यहाँ पे अगर आपने वैष्णो देवी आना है तो हेलीकॉप्टर यहाँ पे उतरता है। और व्यू देखो ये सांझी छत का, ये देखो वाह यार ऑसम। ये देखो इधर रोही कैसा लग रहा है, दर्शन नहीं हो पाया मैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा क्राउड है, वेट करना पड़ेगा, वेटिंग है इधर, वेटिंग होगी अभी। गाइज अभी आप देख सकते हैं भैरव बाबा के मंदिर से नीचे भवन कितना सुंदर लग रहा है, देखो। सो गाइज अभी टाइम हो गया कुछ खाने का, ये देखो क्या है, ये देखो छोटी छोटी कंटीन है, जो जो चाय ले रहे हैं इधर, और हम अभी लेंगे इधर से ब्रेड पकौड़ा। गाइज अभी देख सकते हैं यहाँ पे चाय और पकौड़ा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकफास्ट इधर भैरव घाटी में ना लंच लुंच का कोई प्रोग्राम नहीं होता, यहाँ से हम सीधे निकलेंगे अधगुआरी, और अधगुआरी में लंच वगैरह कुछ करेंगे। देखो अनिल की लग गई लड़ाई, क्या हो गया भाई, देखो रूही का गुस्सा, ओहो भैरव घाटी आके भैरव बन रही है, गुस्सा कर रही है। तो अभी सफर स्टार्ट हो गया घर जाने का, और अभी हम सभी जा रहे हैं घर में भैरव घाटी से होते हुए। ये दूसरा रूट है, इस रूट से रात को दूसरे रूट से आए थे अधकुआरी से सीधे यहाँ पे भवन में, और अभी जा रहे हैं हम भैरव घाटी वाले रूट से। रोहित को देखो इधर डांस अभी स्टार्ट हो गया है, आगे देखो ढोल वगैरह बज रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, बहुत प्यारा व्यू यहाँ पे देखो, वाह ये देखो मौसम, देखो यार मौसम, देखो मौसम, और इधर देखो हेलो उड़ते पंछी। यहाँ पे बेल शेल करवानी पड़ती है, जब नीचे जाएंगे फिर वहाँ पे करेंगे खूब सारा डांस।
थोड़ा आगे पहुंच जाए पहले, ठीक है। इसका थोड़ा मूड बना रहा, धीरे धीरे मूड बन रहा है इनका। अनिल जी देखो अभी इधर घर बना रहे हैं, नहीं इधर शिफ्ट हो गया है। इसके ऊपर कैसे रखोगे अभी आओ? तो ही थोड़ा मिस्त्री का पूरा काम बताते हुए अभी मैं इतनी मंजिल घर बन गया। देखो रोहित बोल रही थी हम सीढ़ियों से आएंगे, और सीढ़ियों वाले अभी तक जो हमारे साथ चले थे वो अभी तक ऊपर ही हैं। वो देखो अभी ऊपर ही हैं और हम पहुंच गए। जंग लगी ना इसी पहले शुगर कीता इन्हें तो चलाई आई है। सो गाइस मौसम दा यार क्या की और लाजवाब लाजवाब देखो, वाह यार सुपर। पता नहीं क्यों हम सोच रहे थे कि गर्मी है, गर्मी में नहीं जाएं ऐसे ही हो ना, तो हर बंदा ये सोचता है, लेकिन यार इस टाइम का जो मौसम है ना क्या बताऊं, मतलब मजा आ गया। खूबसूरत बहुत ही ब्यूटीफुल मौसम है और मजा ही आ गया सुपर। रोहित आया मजा नहीं? ये जो वेदर है इस टाइम का मन नहीं कर रहा जाने का। और यहाँ पे देखो लोग फोटो शूट करवा रहे हैं, ये देखो देख सकते हैं आप पीछे लोग फोटो शूट वगैरह करवा रहे हैं। देखो वो देखो पीछे ऊपर देखो वो वहाँ से आए हैं, वहाँ से आए बहुत ठंड है, बहुत ठंड है और आप सब भी आए, ठीक है। बहुत अच्छा मौसम चल रहा है इस टाइम जम्मू में, और वैसे पंजाब वगैरह में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट अभी तक स्टिल मतलब मई एंडिंग है, बट अभी भी हमारे जम्मू में जो है मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ थोड़ा बहुत गर्मी होती है दोपहर को, बट रात को सुबह सुबह मतलब मौसम सही हो जाता है, बट अभी बहुत अच्छा मौसम है। अगर आप प्लान करना चाहते हैं वैष्णो देवी के लिए सो इट्स अ गुड टाइम, सो आप जल्दी आइए और पूरा इंजॉय कीजिए हमारी तरह, ठीक है। चले चलो। सो गाइस अभी अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं और इधर हो गई गर्मी, आप देख सकते हैं धूप, जहाँ जैसा मौसम है वो साथ में आपको बता रहा हूँ। अब पूरे पांव वाइब्रेट कर रहे हैं, अब थक गए हैं। देखो रूही रील बनवाती हुई डाल मारती हुई, इधर देखो फोटोग्राफर अनिल शर्मा के साथ, और इधर देखो अर्धकुंवारी पीछे। रात को जब हम पहुंचे थे तो यहाँ पे लोग ऐसे सोए पड़े थे, अब देखो अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं, और मेरी और अनिल की फेवरेट चीज हम खाने वाले हैं। क्या खाने वाले हैं? चने पूरी खाने वाले हैं, और वैसे तो बड़ा कुछ है लेकिन राजमा वगैरह ये मेरे को पसंद भी नहीं है, और साथ में यहाँ पे अच्छा नहीं मिलता, तो हम सोचा कि नीचे जब कटरा पहुँच जाते हैं फिर वहाँ पे कहीं बैठते हैं तो वहाँ खाएंगे। अभी फिलहाल थोड़ा सा खा के निकलते हैं यहाँ पे। वैसे इतनी ज़्यादा भूख नहीं है, बट अभी 6 किलोमीटर हमने और आपको पता है ट्रैवल करना है नीचे कटरा के लिए, थोड़ी सी तो एनर्जी चाहिए, स्ट्रिंग में इतना जोश नहीं होता। हम पीते नहीं हैं, जो चीज़ें आज हमने आपको दिखाई हैं तो ये रेगुलर कभी नहीं हम मतलब यूज़ करते हैं, बट हाँ अभी बाहर आए हैं यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं होता तो इसलिए ये सब चीज़ें खानी पड़ती हैं, बट इन चीज़ों को अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर रहता है अगर अच्छी हेल्थ रखनी है। बट हाँ कभी बाहर आना पड़े तो ये सब चीज़ें यार करनी पड़ती है, यूज़ करनी पड़ती है। चाय नहीं पीनी अभी, ये स्ट्रिंग पी रहे यार। तो रोही बोल रहे खेलनी चढ़ेगी, इसको पिलाओ भाई चाय। कल जब हम यहाँ थे तब हम सोचे थे हम ऊपर कब पहुँचेंगे, और अभी सोच रहे हैं कि नीचे। अब हम सोच रहे हैं बाद में देंगे, पर्ची ले लो बाद में देंगे, तो अभी सोच रहे हैं कटर का पहुँचे। ये होता है सबके साथ होता है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है, शिवरिंग हो रही है, तो अब नीचे जाके थोड़ा रिलैक्स होंगे, वो चेयर जो रिलैक्सिंग चेयर होती है वहाँ पर बैठेंगे। मज़ा देखो कितना एक्साइटमेंट देखो इसकी एक्साइटमेंट। ये अब खिलाना ही पड़ेगा, अब क्या करना, ये हमारी YouTube फैमिली के लिए स्टार्ट लेके प्रभु का नाम जय माता दी। तो भाई देखो आंटी अंकल की तरह रोहित को मिल गए इनके पापा, आ जाओ आ जाओ जी, खुश है? अभी आपने ऐसे तीन पागल तो देखे ही होंगे दो ये हैं और तीसरा ये साउथ के एक्ट में, ये कमेंट करके जो बताना कैसे लग रहे हैं, ठीक है। मेरे को मैं तो पूरे साउथ में लग रहा हूँ, मुझे लग रहा है। ये गोविंदा की मूवी नहीं है जो, क्या नाम है उसका, क्या नाम है जिसमें वो महाराजा मूवी है, महाराजा। और देखो
हवाई। चलो ये मस्ती करते हुए जा रहे हैं, बस थोड़ा सा कटर बचा हुआ है, मतलब 1 किलोमीटर के करीब बचा हुआ है, बट अभी लास्ट में थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस बचा है, बट अभी टोटली थक चुके हैं यार, अभी रेस्ट करते करते जा रहे हैं। ठीक है, एसी लगी, खांसी इसी देनी, काले किकर ने फांसी ऊपर देना, गरगला चार नहीं मरा था आज तो नहीं जिम्मेदार। चलो गाइस थोड़ा सा डिस्टेंस बचा, चलते हैं अभी। ठीक है, ये हमारे यात्री, हाउ इज द जोश? यस, यस गाइस, अभी थोड़ा नींबू पानी पीते हैं, होश आती है, अब लास्ट स्टेप बचा है। ठीक है, 1 किलोमीटर के बाद हमने पहुंच जाना है कटरा, और अभी आपको सीधे कटरा जाके मिलते हैं, तब तक चेयर्स। हमने बच्चों को चिंगम टॉफी देते हैं, ये वाला चाहिए, बिना आप लोगों के सभी एक एक ले लो, सभी को ले लो। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम इस मंदिर में, और रात को हम इस मंदिर में आए थे, बट उस टाइम बड़ा अंधेरा था, आपको कुछ वीडियो में दिखा नहीं पाया। ये देखो कितना प्यारा मंदिर है, ये देखो यहाँ पे पहले हम हनुमान जी के दर्शन करेंगे, और इसी के साथ यहाँ पे सरस्वती माता और भगवान शिव और भगवान माता पार्वती, ये देखो सबसे अच्छी लुक है जो, कितना ब्यूटीफुल है। और अभी पहुंच गए हैं नीचे कटरा, और अभी हमने गाड़ी वहां लगाई हुई है, गाड़ी में जाते हैं रेस्ट करते हैं। ये देखो हमारे फौजी साहब ये नहीं थकते भाई, और पीछे हमारी मोटो कहाँ चली गई, ये पीछे रह जाती है, इसने एक ही स्पीड पकड़ ली है, उस स्पीड से ना आगे जा रही है ना पीछे हो रही है, बस चले जा रही है एक ही स्पीड में, और फौजी साहब हमारे ये किसी को नहीं मान रहे भाई, देखो यहो लड्डू गोपाल। तो गाइस पहुंच चुके हैं फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे, और अभी जा रहे हैं हम होटल में जहाँ पे हमने गाड़ी वगैरह लगाई है, हम जा रहे हैं अभी ऑटो में। ये हमारी माँ वैष्णो देवी, जहाँ रात को सोच रहे थे कैसे पहुँचेंगे, और अभी देखो वापस आ चुके हैं। मेरे साथ 3 मूर्तियाँ, कैसे प्लान किया कोई समझ नहीं आया, बट अच्छे से दर्शन हुए, और मैं आप सबको एक बात ज़रूर बोलूँगा कि जितना भी जो आज ये जो हमारी वीडियो थी, जितनी आप देख रहे हो, जो हमने दर्शन किया, जो हमारा टूर था, इसका स्पेशल जो क्रेडिट जाता है वो रूही और अनिल को जाता है, क्योंकि इन दोनों ने प्लान किया था, मेरे को तो पता नहीं था। उसके बाद जो हमारे वहाँ पे भैया वगैरह थे, चाचू थे हमारे दरबार में, भैया थे जिन्होंने इतना मतलब अच्छा हमें वहाँ पे दर्शन करवाया, और भैया जो मिले उन्होंने हमें VIP एंट्री करवाई, हर जगह बैरोघाटी गए वहाँ पे भी हमें VIP एंट्री मिली, मतलब अगर लाइन में लगे रहते तो शायद हम शाम तक भी नहीं पहुँचते, बट वहाँ पे हर जगह हमें मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब वहाँ पे हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, सोचे सलाह बनाई थी वैसे बिना सोचे वहाँ पे सब कुछ अपने आप, ऐसा लग रहा था कि माता रानी ने हमें एकदम से मतलब बुला लिया, 5 मिनट दर्शन तो कभी हुए नहीं किसी के आज तक, खाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था मैंने कि मैं मतलब अभी जल्दी से जाऊंगा, सोचा था जाने के लिए बट शादी के बाद, बट सडनली ऐसे प्लान बन गया, और इतने अच्छे दर्शन हुए तो मजा आ गया। गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो यार जय माता दी जरूर लिखें, और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही आपका भाई मोटिवेट रहे और आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियो बनाते रहे। तो जोर से बोलो जय माता दी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।